मैं सुनीता वर्मा और आप देख रहे हैं क्वाइटिनेटिव मिल्स। आज हम हरियाणा और पंजाब की बहुत ही खास मिठाई बनाने वाले हैं। इसको हम दलिये से बनाएंगे, गेहूं के दलिये से। वही दलिया यूज करेंगे जो हम रेगुलर यूज में दलिया यूज करते हैं, बस उसी का यूज करके ये हम बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बनाने वाले हैं। अब दलिये का यूज कर रहे हैं तो बहुत ही हेल्दी ये मिठाई होने वाली है। तो दलिये से ये मिठाई हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम दलिये से बनाएंगे डोडा बर्फी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दलिये से डोडा बर्फी की ये रेसिपी। देखिए, मैंने एक कप से कुछ कम दलिया ले ली है, नॉर्मल गेहूं वाली दलिया है। आप चाहो तो गेहूं को रात भर भिगो दीजिए और उसे सुबह एक सूती कपड़े में बांध के टांग दीजिए और उसको कम से कम 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। जब वो अंकुरित हो जाए तो उसे मिक्सी के जार में पीस कर और तब भी आप ये बर्फी बना सकते हैं। अब इसको मैंने भूनने के बाद इसमें ये 1 लीटर दूध डाला है। दलिया को कम से कम मैंने 5 मिनट के लिए भून लिया था अच्छे से और जब उसका कलर चेंज हो गया था तब मैंने इसमें ये दूध डाल दिया। अभी तक मैंने इसमें कोई घी या किसी भी प्रकार की मिठास का यूज़ नहीं किया है। अब हम इसमें 2 चम्मच दही डाल देते हैं। अच्छा, आप दही जो यूज़ कीजिएगा वो बिल्कुल ही फ्रेश यूज़ कीजिएगा। दही का काम है इसमें हल्का सा दाना देना और जो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा क्योंकि हम अभी मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास दही ना हो तो दही की जगह आप विनेगर यूज़ कर सकते हो, नींबू यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं डाल लीजिएगा। 1 चम्मच विनेगर डाल दीजिएगा और 2 से 3 ड्रॉप नींबू के डाल दीजिएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना। तो देखिए, हल्का सा दाना आ चुका है, ये देखिए स्पैचुला पे दिख रहा हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, बस इसको उबाल आने देते हैं। ये देखिए उबाल आ चुका है, तो अब हम इसको धीमा कर देंगे, गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे। चलिए ग्लूकोज सिरप बनाते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये 1/2 कप चीनी ली हुई है, इसमें हमने 2 चम्मच पानी डाल दिया है, साथ में थोड़ा सा लेमन जूस मैंने डाल रखा है और चुटकी भर नमक डाल रखा है। इससे क्या होगा, इससे ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा और नमक डालने से ये नमकीन नहीं हो जाएगा, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा बर्फी का। ये सिरप बना के रख लीजिए साइड में, जैसे ही 1 तार की चाशनी बन जाए। और अब देखिए, दलिया बहुत ही ज़्यादा थिक हो गया है, तो अब हम इसमें 1 कप देसी घी ऐड कर देंगे। देसी घी में इस बर्फी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी देखिए, डोडा बर्फी का कलर जो होता है वो होता है ब्राउन कलर का, तो अभी मेरा तो हुआ नहीं है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप गुड़, और गुड़ से इसमें बहुत ही एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जैसे ही मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे बाकी की चीज़ें जो अभी हमें ऐड करनी है। तो ये देखिए, इसमें हम डाल देंगे ये कोको पाउडर। 2 चम्मच दूध में मैंने 2 चम्मच कोको पाउडर मिक्स कर लिया था और इसमें डाल दिया है। अच्छा, डायरेक्ट ऐसे ना डालिएगा, ऐसे जो है दाने पड़ जाएंगे, और दूध में घोल के डालेंगे तो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो उससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। अब हम इसमें जो हमने ग्लूकोज सिरप बना के रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे और उसके बाद बहुत ही अच्छा कलर देने के लिए थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल देंगे। तो ये इसको हम अच्छे से मिक्स कर, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, क्योंकि ये सिर्फ कलर के लिए है, एक बहुत ही अच्छा ब्राउन कलर देने के लिए बर्फी में। बस अब इसको मिक्स करने के बाद हम इस पे डाल देते हैं ग्रेट किया हुआ कोकोनट डालेंगे और कटे हुए काजू और बादाम डाल देंगे। इससे क्या होगा, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे। तो इसको भी इसी के साथ मिक्स कर लेते हैं। देखिए, बर्फी बहुत ही थिक हो रही है। गैस को लो ही रखिएगा, ज़्यादा तेज मत कीजिएगा, नहीं चिपक सकती है। अब हम इस पे 1 पिंच इलायची का पाउडर और जायफल का पाउडर डालकर मिक्स कर देंगे और जैसे ही और थिक हो जाएगी गैस को कर देंगे बंद और इसको तब भी ऐसे ही चलाएंगे, नहीं तो ये चिपक जाएगी। तो बस ये देखिए, तली ने छोड़ दिया है
और थोड़ी देर चलाते रहते हैं कि हल्का सा ठंडा हो जाए। ठीक है, तो बस हल्का सा ठंडा करने के बाद ये देखिए मैंने एक थाली पे घी लगा लिया है और इस पे डाल देंगे हम ये बर्फी का मिक्सचर। सारा डाल देते हैं। देखिए इस बर्फी के मिक्सचर को मैंने सारा इस थाली में डाल लिया है। अब एक चम्मच ले लेंगे जिसपे मैंने घी पहले से लगाया हुआ है, इससे क्या करेंगे इसको अच्छे से और इससे थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा प्रेस करके जो है बर्फ़ी को बहुत ही अच्छे से फैला लेंगे। तो इसको हमें करीबन 1 इंच मोटा ही रखना है क्योंकि ये मोटी ही बर्फ़ी अच्छी लगती है। तो इस रेसिपी को आप बनाइएगा और अपने भाइयों को इस रक्षाबंधन खिलाइएगा और उनसे पूछिएगा कि उनको ये रेसिपी कैसी लगी, तब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए मैंने कटे हुए बादाम और काजू से अच्छे सजा दिया है, उसके ऊपर मैंने ग्रेट किया हुआ कोकोनट डाल दिया है, तो इससे ये बहुत ही प्यारी सी बर्फ़ी दिखेगी। और हल्का सा चम्मच से प्रेस कर दिया जिससे ये इसमें से बहुत ही अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। अब इसे ठंडा हो जाने देते हैं। तो ठंडा होने के बाद इसके पीस काटेंगे। तो ये देखिए ठंडी हो गई है बर्फ़ी। अब चलिए इसे चाकू से अच्छे से काट लेते हैं। आप अपने मनपसंद पीसेस में काटिएगा, मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में काटूंगी, तो अपने हिसाब से छोटे बड़े पीसेस जैसे भी चाहिए आपको वैसे काट लीजिए। तो मैं यहाँ पे देखिए ये हल्के से कट लगा ले रही हूँ। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी सी हेल्दी सी दलिये से बनकर डोडा बर्फ़ी हो गई है तैयार। तो देखिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं लगी और बहुत ही टेस्टी सी रक्षाबंधन की ये मिठाई तैयार हो गई है। तो आप चाहे रक्षाबंधन पे बनाइए चाहे किसी भी फेस्टिवल पर आप बना सकती हैं इस रेसिपी को। और ये बर्फ़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा, कोई मानेगा ही नहीं कि आपने ये बर्फ़ी दलिये से बनाई है। तो आप बनाइए और खाइए और इन्जॉय कीजिए इस रेसिपी को। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।